किसान और व्यापारी भाई, फल व सब्जियों के ताज़ा भाव की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सीधी आप तक पहुंच सके। सभी किसान, व्यापारी और आढ़ती भाइयों को राम राम। भाइयों, आज दिन है बुधवार और तारीख 2 अगस्त 2023। आज सुबह मौसम साफ रहा, धूप निकली। गूगल वेदर रिपोर्ट के अनुसार कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है, कहीं कहीं हल्की बारिश का भी अनुमान है। आज कल आंखों वाली दिक्कत हर जगह देखने को मिल रही है। आंख आना मंडी में भी काफ़ी फैल गया है। मंडी में चलते फिरते इसका प्रभाव देखा जा सकता है, बाकी समझदारी में सुरक्षा है। आज आपको फलों के थोक भाव की जानकारी देंगे आढ़ती भाई श्री बंटी भाटिया जी, और एग्री मंडी टीम अपना अनुभव साझा करेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल के साथ कुछ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। भाइयों, हम फेसबुक पर भी उपलब्ध हैं, आप हमसे फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। किसान भाई अपनी फसल से संबंधित अपना कुछ भी अनुभव साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। आढ़ती भाई हमसे बाजार के हालचाल के बारे में या अपना बाजार भाव साझा करना चाहते हैं तो वह निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। आज करनाल मंडी में फलों का बाजार भाव इस प्रकार से रहा है। नारियल पानी 20 पीस पैकिंग 900 रुपये से 950 रुपये, मौसमी कट्टा 20 किलो मीडियम साइज 750 रुपये से 800 रुपये, अनानास 30 रुपये से 32 रुपये किलो, केला क्रेट 10 दर्जन 550 रुपये से 600 रुपये, आम चोसा 35 रुपये से 40 रुपये, आम लंगड़ा 30 रुपये से 40 रुपये, और पपीता भाइयों 30 से 32 रुपए किलो बिका है। अमरूद का बाजार जैसा माल वैसा दाम रहा है, 25 रुपए किलो से लेकर के 70 रुपए किलो तक अमरूद बिका है। आज फलों के बारे में और जानकारी चाहेंगे आढ़ती भाई श्री बंटी भाटिया जी से। इनके पास मौसम के अनुसार हर तरह के फल आते रहते हैं। जानते हैं आज क्या क्या आया है और उनका क्या बाजार भाव चला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आज करनाल मंडी में फलों का क्या कुछ बाजार भाव चला हुआ है, ये जानकारी आज आपसे चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सर मैं आपका परिचय चाहूँगा। मेरा नाम है बंटी भाटिया और फर्म का नाम है भाटिया फ्रूट एजेंसी, और मोबाइल नंबर है 7988682146। सर अपने पास कौन कौन सी वैरायटी के फ्रूट? हमारे पास आज बब्बू गोशा और सेब है, और बाकी सीजनली फ्रूट आते हैं सब। बब्बू गोशा और सेब? हाँ जी। ये कहाँ का माल है सर? ये बब्बू गोशा हिमाचल से आया, कुल्लू से। कुल्लू से? हाँ जी। क्या कुछ बाजार चला हुआ? ये बिका 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? हाँ जी। और सेब बिका है ये 60 रुपए किलो। ये सेब हिमाचल का सर? हाँ जी, हाँ जी, सब हिमाचल से आ रहा है अभी। ये इधर साइड में बब्बू गोशा और हिमाचल का ये सारा सेब ही लगा हुआ है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा सर अपने पास सीजनली? इसके अलावा सर जिस चीज़ का सीजन होता है वही फ्रूट मंगाते हैं हम। अभी फिलहाल सेब और बब्बू गोशे का जोर है, तो अभी यही आ रहा है फिलहाल। सर बाजार का क्या कुछ माहौल चला हुआ है? बाजार ठीक है, हाँ, माल कम है पीछे, और बाजार ठीक है, सही बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उठाव सही बना? हाँ, उठाव बढ़िया है, सब बिक गया, टोटल क्लियर है माल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और थैंक यू। आगे की क्या संभावनाएं देख रहे हैं? आगे बाकी जैसे जैसे लोड पड़ेगा देखते हैं क्या बाजार की स्थिति रहेगी, बाकी माल कम है पीछे, बाजार सही रहेगा आपकी बात। बाजार सही रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, बाजार ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने ठीक है सर विस्तार से जानकारी दी। सर अपना नाम और मोबाइल नंबर एक बार दोबारा बताएं। मेरा नाम है बंटी भाटिया, भाटिया फ्रूट कंपनी, मोबाइल नंबर 7988682146। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। भाइयों, करनाल मंडी में आज सब्जियों का बाजार भाव इस प्रकार से रहा है। आलू आगरा 580 रुपये से 620 रुपये, आलू डायमंड 600 रुपये से 650 रुपये, आलू लाल 600 रुपये से 630 रुपये कट्टा बिका है। प्याज नासिक भाइयों 14 से 18 रुपये किलो, प्याज लोकल 12 से 15 रुपये किलो, टमाटर करेट 2500 रुपये से 4000 तक, मटर भाइयों 90 रुपये से 100 रुपये किलो, शिमला मिर्च का बाजार आज 90 से 100 रुपए किलो रहा है, फूल गोभी 40 से 50 रुपए किलो, बंद गोभी 22 से 25 रुपए किलो, हरी मिर्च 50 से 55 रुपए किलो, बारीक तीखे वाली पेप्सी मिर्च 35 से 40 रुपए किलो, धनिया का बाजार 70 से 90 रुपए किलो रहा है, पालक भाइयों 25 से 35 रुपए किलो बिकी है, पुदीना आज 70 से 80 रुपए किलो, करेला 25 से 30 रुपए किलो, पेठा हरे वाला 10-11 रुपए किलो बिका है,
और टिंडे का बाजार 28 से 30 रुपए किलो रहा है। राम केला आम 30 रुपए से 35 रुपए किलो बिका है। खीरा भाइयों 12 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो तक बिका है। घिया का बाजार 15 से 18 रुपए किलो रहा है और गोल घिया भाइयों 12 रुपए से 15 रुपए किलो बाजार में बिकी है। तोरी 20 रुपए से 30 रुपए किलो बिकी है। तोरी 20 से 30 क्वालिटी के हिसाब से बिकी है भाइयों। बैंगन का बाजार आज 30 से 35 रुपए रहा है। भिंडी का बाजार 20 से 25 रुपए किलो। स्वीट कॉर्न 17 से 18 रुपए किलो। छल्ली का भाव 8-9 रुपए किलो रहा है। अरबी आज 26 से 28 रुपए किलो बिकी है। मूली का बाजार 20 से 25 रुपए किलो रहा है। रास बीन 60 से 70 रुपए किलो और कच्चा केला 14 रुपए किलो के भाव से करनाल मंडी में बिका है। बाद में कच्चा केला थोड़ा बहुत बकाया माल 13 रुपए किलो बिका है। 21, 22, 25, 26, 27, 28 चल रहे हैं मेरे चाचे को 127 रुपए 126 रुपए हाँ भाई 80 रुपए 80 रुपए 81 रुपए 82 रुपए 83 रुपए 84 85 86 89 ले ले बोली पाएगा तो मिलेगी मेरे घर ले लेने दे 90 कर दो 90 99 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
100 रुपये। टमाटर भाइयों अभी तेजी की तरफ ही है, टमाटर की ग्राहकी काफी कम हो गई है। 5-6 क्रेट लेने वाले दुकानदार अब 1 या 2 क्रेट टमाटर ही खरीद रहे हैं। मंडी में लोकल सब्जियों की आवक अच्छी रही, खीरा, घिया, पेठा, भिंडी आदि सब्जियों में नरमी देखने को मिली। ज़्यादातर सब्जियों का बाजार अभी ऊपर की तरफ ही है, पर उपभोक्ताओं के लिए राहत की बात यह है कि आलू प्याज के दाम अभी आम आदमी की पहुंच में है। भाइयों कुछ माल मंडी में परचून में बिकता है, जिसका कारण उसका ज़्यादा भाव या कम लागत का होना होता है। उनके भाव इस प्रकार से रहे हैं। अदरक 150 रुपये से 160 रुपये किलो, पीली गाजर 38 से 40 रुपये किलो, भीसे का भाव 90 से 100 रुपये किलो, मशरूम 120 से 130 रुपये किलो, गवार फली 45 से 50 रुपये किलो, आंवला भाइयों 80 से 90 रुपये किलो, लाल पीली शिमला मिर्च 250 रुपये किलो। भाइयों आज इस वीडियो में हमने आपको बताया आज करनाल मंडी में फल और सब्जियों के होलसेल ताज़ा भाव क्या रहे हैं। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाई ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हर रोज सब्जी मंडी के ताज़ा भाव जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।